गोबर की खाद डालेंगे और गोबर की खाद डालकर हम जो गड्ढे में की मिट्टी है उसमें अच्छे से खाद को मिला। मिलाने के बाद जो हमारी कुदरू की लत्ती है, ये हमारी कुदरू की लत्ती है और इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद इसी गड्ढे में हम गड्ढे को खदेंगे और खदने के बाद ऐसे रख कर मिट्टी से दबा देंगे। देख सकते हैं हमारी जो मटर की फसल है वो जर्मिनेशन होना चालू हो गया है और दबाने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से दबा देंगे। नमस्ते किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के फार्मर में। किसान भाइयों, आज हम अपने खेत में कुंदरू का बुआई करने जा रहे हैं। कुंदरू का बुआई कैसे किया जाता है, उसकी खेती कैसे की जाती है, आपको पूरा बताएंगे और दिखाएंगे भी। आप देख सकते हैं ये है हमारा जो कुंदरू का लत्ती है, ये हरे वाले वैरायटी का कुंदरू का लत्ती है और इसको बुआई करने के लिए हमने सड़ी हुई गोबर का खाद लिया है और हमारे पीछे जो खेत देख रहे हैं इसी में हम कुंदरू की बुआई करेंगे। फिलहाल इसमें मटर की फसल का बुआई किया गया है और बुआई किए हुए 2 दिन हो गए हैं। अगर देखें तो हमने जो मटर का बुआई किया है इसको भविष्य को लेकर हमने बुआई किया है। बीच बीच में हमने मटर की बीच में हमने नाली निकाला है। जब हमारी मटर की फसल ख़त्म होने की कगार पर होगी उस समय इसी नाली पर हम खीरे का और लौकी का बुआई करेंगे, जिससे हमें जो है आगेती जो सब्जियां है खीरा है या लौकी है मिल जाएगा। और जैसे मान लीजिए अगर नाली नहीं बनाते तो हमको पूरा मटर का फसल उजाड़ना पड़ता, उजाड़ने के बाद खेत जुटाना पड़ता, फिर हम नया नाली बनाते उसके बाद हम जो लौकी है या खीरे की बुआई करते। लेकिन हमने दोनों सोच के रखा है, जैसे मान लीजिए बीच में जो हमारी दूरी है लगभग 8 से 10 फीट होगी और दो नाली है उसी नाली पर हम जनवरी के महीने में लौकी की बुआई करेंगे और फरवरी में हमारा जो मटर होगा वो हमारा ख़त्म हो जाएगा और इसी बीच में जो है हमारी खीरे की और लौकी की फसल जाएगी। और आपको पहले हम जो कुंदरू का बुआई कैसे किया जाता है आपको बुआई करके दिखाएंगे। कुंदरू की बुआई करने से पहले हम सबसे पहले गड्ढा खोदेंगे। कुंदरू की बुआई के लिए अगर पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो हमको पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट रखनी है। हमारा जो दूसरा गड्ढा होगा वो 8 फीट की दूरी पर होगा। और हमारी जो पक्ति से पक्ति की दूरी होगी वो भी 8 फीट की होगी। गड्ढे की खुदाई करने के बाद हम गड्ढे में सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे और गोबर की खाद डालकर हम जो गड्ढे में की मिट्टी है उसमें अच्छे से खाद को मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो हमारी कुंदरू की लत्ती है ये हमारी कुंदरू की लत्ती है और इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद इसी गड्ढे में ऐसे रख कर मिट्टी से दबा देंगे। देख सकते हैं हमारी जो मटर की फसल है वो जर्मिनेशन होना चालू हो गया है और दबाने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से दबा देंगे। इसी तरीके से हम पूरे खेत में जो कुंदरू की बुआई है इसी तरह से करेंगे। Thank you.
और बुआई करने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे और लगभग 15 से 20 दिन बाद हमारी जो कुंदरू की लत्ती में से नए अंकुरण आने चालू हो जाएंगे, नए पत्ते आने चालू हो जाएंगे।